गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और स्वागत है आपका नया ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने और मेरे तरफ से सबको दशहरा का बहुत बहुत बधाई। जितना भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितना भी व्यूअर्स है, सबको बहुत बहुत बधाई। और दुर्गा पूजा बहुत अच्छा तरह से पार हो गया और आज जा रहे हैं कुछ एक्सेसरीज लेने के लिए अपना गाड़ी पे। डैशबोर्ड में एक्चुअली कैम लगाना है और एक मोबाइल होल्डर चाहिए, जो कि चलते वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ चलाते वक्त, और मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर स्टैंड रहेगा तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और थोड़ा बहुत घूमेंगे, फोटो शूट वगैरह करेंगे, बहुत दिन से घूमे नहीं है। मनीष भाई को उसको बुला ले, मास्क खोलना रे। यही दो गज दूरी मास्क जरूरी। देखो बगल में बैठा, दो गज दूरी, जाओ वहाँ बैठो गेट का बाहर। भाई चल भी गया, अबे आ जा, लेट मत कर, चल। ऐसे बहुत लेट है, उसको 9 बजे बुलाए थे लेकिन आ रहा वो कितना बजे, अराउंड बज रहा अभी 10:45 हो रहा, 10:45 बजे। चल चल चल, हम ड्राइवर है, तुम पीछे बैठ रहा। नहीं मैं चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। क्या क्या लगाएंगे गाड़ी में और क्या क्या होने वाला आज का दिन आप लोगों को बताएंगे। बस बने रहिए वीडियो का एंड तक। मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। हम लोग का हो गया बहुत जोर वाला पोपट, क्योंकि जहाँ हम लोग खाते थे वो जो ब्लू वाला है वहाँ हम लोग खाते थे, पर वो आज पता नहीं क्यों बंद है और ये ग्रीन वाला खुला है। लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ग्रीन वाला का। ब्लू वाला से हम लोग खाते हैं बट पता नहीं आज क्यों बंद करके रखा हुआ है। तो लेट्स गो, जिस काम के लिए निकले थे वो करते हैं पहले। फिलहाल नाश्ता तो नहीं है पाया क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किए थे हम लोग। चलते हैं सांची या फिर वो विष्णुपुर में देख लेता है, अगर शॉप्स खुला हुआ है तो फिर इसका वो स्टैंड वगैरह मिल गया, होल्डर मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर वगैरह तो ठीक है, और नहीं तो फिर ठीक है अपना घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा मौज करेंगे, फोटो शूट करेंगे, फिर चल जाएंगे घर। हैप्पी विजय। तो फाइनली हम लोग का गाड़ी पार्क हो गया है, एकदम छांव में कर दिए हैं पार्क, क्योंकि जब निकले थे इतना ज्यादा गर्म था, इतना ज्यादा स्टीम निकल रहा था अंदर से, अंदर में मैगी बन जाता अगर हम लोग रख देते तो, हम लोग का कच्ची उम्र हो गया था। बट ठीक है, नहीं आओ ऐसे काम कर रहा सही से शायद। चलो चाय पीते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। अब साक्षी आते हैं तो चाय पीना तो बनता है यहाँ जुबली पार्क का गेट के पास, तो सोचते हैं कि कब चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। हमको नहीं लगता कि आज खुला होगा, पर नहीं आओ लेट्स सी क्या होता है। फ्रेंड चाय पी लो, और फाइनली मेरा चाय आ गया है, इसको पहले ख़त्म करते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। फाइनली चाय पी लिए, चलाएगा क्या गाड़ी? अभी चलाएगा, जब मार्केट का अंदर जा रहे हैं अभी, हावड़ा ब्रिज तरफ जा रहे हैं। नहीं उसके बाद देंगे तुमको, इधर खाली रोड में मत बोल भाई, वो पहला एक्सपीरियंस था गाड़ी लेके, चाचा के साथ आए हुए थे। बट जो भी है नहीं, हाँ उतना ज्यादा नहीं है, उड़ाए नहीं थे, मतलब उसका शीशा मिरर बंद हो गया था उसका, ठीक है क्या पता टूट गया हो जैसे तेरा। नहीं वैसा नहीं ना, उतना जोर का झटका, उतना स्पीड में थोड़ी क्या गाड़ी तो खोल गया। चलो आज तो आधा से ज्यादा दुकान यहाँ पे, चाय दुकान भी इतना सारा रहता है यहाँ पे, पर यहाँ पे हो खुली एक या दो ही दुकान बस खुला हुआ है, हमको नहीं लगता कि खुला होगा उधर, पर देखते हैं एक बार जाके क्या होता है वहाँ पे। फिर एसी बहुत सही सही काम कर रहा है, गाड़ी कूल हो गया देख रहा है, गाड़ी है। चलो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, क्या क्या एक्सेसरीज लगाएंगे आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस आज पता नहीं पोपट पे पोपट हो रहा हम लोग के साथ, जो जेआरडी वाला जो सीधा साक्षी से लिंक करता है रोड, वो भी आज बैरिकेड लगा हुआ, बंद किया हुआ, पता नहीं किस लिए बंद है,
या तो हम उधर से आए नहीं है बहुत दिन से, तो वापस से हमको वही अंदर से आना हो रहा है टैगोर एकेडमी होके, तो फिर हमको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। देख रहे हैं रोड में पार्किंग का नतीजा, पता नहीं जमशेदपुर प्रशासन क्या चाहता हमको, तो ये समझ में अभी तक नहीं आया। पता नहीं जमशेदपुर पुलिस क्या चाहती है, पूरा जो झंडा चौक है उसको भी बंद करके रख दिया है। अब देखो ये सबको बिना हेलमेट का घूम रहा है, उसी लिए इतना ज्यादा एक्सीडेंट होता है, ऊपर से बच्ची को लेके घूम रहा है। भैया इसको यहाँ लगा देना, यहाँ उल्टा जा रहा है, यहाँ ना रखेगा हाथ। गाइस फाइनली ये अल्फा का हम लोग को मिल गया है, जो कि पड़ा अराउंड 500 रुपीस का फिटिंग वटिंग करा के। अब आएगा इसको पकड़ के घुमा, मज़ा आएगा चलाने में, क्योंकि स्टेयरिंग मेरा थोड़ा हार्ड था तो मेरे को चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए इसको लगवाए नोब को। तो एक काम हो गया, और दूसरा ये था कि हमको वो होल्डर चाहिए था जो कि डैशबोर्ड में या फिर आगे वाला विंड स्क्रीन में लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि वो यहाँ पे नहीं मिला। उनके पास दो ही ऑप्शन था, दो या तीन ही ऑप्शन था जो मेरे को पसंद नहीं आया, और जैसा वाला मैं खोज रहा था होल्डर नहीं मिला। तो देखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। और आज यहाँ पे काफ़ी सारा दुकान बंद है, मतलब अराउंड बहुत सारा दुकान बंद है, तो उसी लिए नहीं हो पाया। तो लेट्स गो, चलते हैं घर। भैया आए हुए वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं आज। तो शायद फोटोशूट शाम में करते हैं या घूमेंगे, फिर देखते हैं। रोड बंद होने वाला है, ये लोग भी बोल रहे थे कि दुकान बंद हो जाएगा 1:30 बजे, तो फिर चलते हैं जल्दी से घर, भूख लग रहा है, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन का क्या नौटंकी है, आधा रोड बंद करके रख दिया है, जाम लगा रहा है बस बेफालतू का। इसको ये आधा रोड को बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, हमको तो ये समझ में नहीं आता क्या मानिए एकदम। और जब खत्म हो गया घूमना फिरना आपके, वही ना, तो हम लोग दूसरा रूट पकड़ लेते हैं, वो देखिए बंद है, हम लोग ये वाला रूट पकड़ लेते हैं, इधर से फोटो पे चलते हैं। अरे बताना ही क्या, गाड़ी सामने खड़ा मादर। फ्रस्ट्रेशन है इसका, घर बस है, निकल जाता मुंह से गाड़ी लिटरली। अभी मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत ही मजा आ रहा है नोब के साथ, कतई जहर वाला एकदम, बहुत हद तक हमको लग रहा है कि मेरा स्टीयरिंग फ्री हो गया है। फिर भी एक बार जाके एक बार दिखा लेंगे, दुर्गा पूजा ओवर हो गया, शायद कल या परसों में सर्विस सेंटर खुल जाए तो दिखा लेंगे एक बार जाके कि स्टीयरिंग इतना हार्ड क्यों है, जबकि EPS काम कर रहा मेरा, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, फिर भी पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले जितना फ्री था स्टीयरिंग उससे काफी ज्यादा हार्ड लग रहा मेरे को। ये वाला टायर पे रोड ठीक है ना, टायर पे से चेक करवाया था, टायर पे से बहुत दिन चेक नहीं करवाया है, वो एक बार चेक करवा देगा। और देखिए यहाँ पे भी बैरिकेड लगाया हुआ था, देखिए यही सब दिखा ना हो, यही सब तो एक्सीडेंट का घर है। ये देखिए गाइस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपने को भी लेना होगा, लेकिन हम लोग को नहीं पूछा गया, क्योंकि हम लोग जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, क्या हम लोग जाते हैं लॉन्ग 100-200 सिटी में घूमने के लिए, सिटी में घूमने के लिए बेस्ट है। और ये मेरा स्टीयरिंग घूम गया,
एवं मौज। अब मनीष भाई का गांव जाएंगे, बिहार जाएंगे तो हमको लगता है कि जाने में ख़त्म हो जाएगा। और सबसे ये कि इसमें फास्ट चार्जिंग डालना चाहिए, जब इतना प्राइस ले ही रहे हो टाटा कंपनी या महिंद्रा जो भी है निकाल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जितना भी है, तो वो लोगों को फास्ट चार्जिंग डालना चाहिए यार। कौन रुकेगा, एक बात बताइए। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं अराउंड, कहीं हमको भी जाना है गाड़ी लेके ट्रिप पे या टूर पे, तो हमको मान लीजिए चार्ज नहीं मिला, हमको कहीं चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं? और मिल भी जाता तो पूरा 4 to 5 hours लगता है फुल चार्ज होने के लिए, तभी आप 200 to 300 kilometers जा सकते हैं, तो क्या फ़ायदा यार ऐसे। उससे लिए अपना पेट्रोल बेस्ट है, पर यही है कि पेट्रोल ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, वही दिक्कत। पर भाई उसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया रहता है, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक में जा सकते। रहता है तो दोनों रहता है। यस, तब बेस्ट है भाई, तब तो अगले बार अब जैसे कि सीएनजी में दिया हुआ है तब आप नेक्सॉन उतारेंगे। फिलहाल तो आप लोगों को नया घर नहीं दिखाया है भाई लोग, क्योंकि न्यू घर का जो है रिनोवेशन हो रहा, अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो वो बन जाए एक बार उसके बाद लेंगे गाड़ी नेक्सॉन या होपफुली कुछ भी ले सकते हैं। अब पता नहीं, अब तो अपना जो है क्या बोलते हैं अपना माइंड डाइवर्ट हो गया XUV 700 की तरफ आ गया है, क्योंकि इतना गजब वाला इतना लोडेड फीचर्स दिया है ना कि अब वही मन कर रहा है। देख रहे जुबली पार्क इतना दिन बाद आ रहा है, कितना शांत लग रहा है, और बाइकर्स भी आए हुए हैं शायद यहाँ पे। ये हमारे शहर का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है गाइस, जुबली पार्क। और यहाँ पे एक चीज आपको दिखाएंगे, इधर से आप राइट लीजिएगा, पहले यहाँ ये वाला रोड खुला हुआ था, स्लो करना, ये प्लास्टिक रोड। ये देखिए हमारा जमशेद, आई लव जमशेद। और ये है प्लास्टिक रोड, अभी बंद है, पर वो रोड जो है वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है, जो कि बहुत इको फ्रेंडली है। और पहले उसमें जाते थे हम लोग, साइकिलिंग वगैरह करते थे, गाड़ी भी लेके जाते थे, लेकिन अब से पता नहीं शायद बंद है या फिर कुछ काम चल रहा होगा। और लेक साइड भी जाते हम लोग आज घूमने के लिए, बट वो भी बंद था, तो लेट्स गो, काफ़ी लेट हो गया। और ऐसे भी कोई दुकान वगैरह खुला नहीं था आज, तो सोच रहे आज घर का खाना खाएं बाहर नहीं खा के, तो जाएंगे सीधा लंच करेंगे। तो बिष्टुपुर जूस कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं, जूस पीते हैं, गुड फॉर हेल्थ। और आज का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ऑसम, मेरे को लग रहा है कि होने वाला है बहुत तेज वाला बारिश, बट नो 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 यार धूप आ गया। चलो कोई नहीं, जूस पीते हैं। क्या जूस पीना है भाई तुमको? जो मेरा जूस है, शायद मेरा फ़ोन में फ़ोन आ रहा है भाई, स्नैपचैट से परेशान आ चुका है, इतना सारा स्नैप। लेट्स गो, पीते हैं जूस, देखते हैं कौन सा जूस पीना है तुमको, क्या पीना है जो तुम बनवाओ। मेरा क्या है, हम एक ही चीज़ पीते हैं, पोमीग्रेनेट वाला। जब तक जूस रेडी होता तब तक बिस्किट ले लेते हैं। भैया एक बिस्किट दिए तो कोई भी दे दीजिए, मैजिक दे दीजिए ऑरेंज वाला, और किसका कॉल है? हेलो। किट ले लिए हैं मैजिक्स का, तो इसको खा लेते हैं, खाली पेट है यार, बड़ी स्पीच लग गया जूस पी के, तो फिर कुछ खाते हैं उसके बाद। मनीष का जूस आ गया, पी लेते हैं। चले कंपटीशन लगाते, रुक, तो थोड़ा सा पी लिया, अब कंपटीशन करते हैं कौन जीतता है इस रेस में, जल्दी पीने का है, स्टार्ट कर रहा है, चीटिंग करता है। 3, 2, 1 कुछ सेकंड का डिफरेंस। जमशेदपुर का वेदर, इधर धूप है,
उधर छांव है, आधा धूप आधा छांव। तो चलिए चलते हैं अब घर, घर जल्दी से, और भैया से मिलते हैं, गुस्सा हो जाएंगे। तब से वेट कर रहे हो, क्या शांति मिलता है यार अंदर में, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉकिंग होता ना यहाँ पे। अभी तो बहुत कम है, आज बहुत जन घर से निकला नहीं है। तो लेट्स गो, चलते हैं घर, खाना खाते हैं। टाइप का आता है क्या? क्या कुछ एयर गन जैसा कुछ आता है क्या? एयर गन? हाँ, कहाँ मारना है? फोन में बाद में, बात बाद में क्यों, अभी बोलो क्या दिक्कत है। डैशबोर्ड के लिए? अच्छा, डैशबोर्ड के लिए सही रहेगा। ठीक है, मेरा बर्थडे में आता है तो ठीक है, मेरा बर्थडे में तुम गिफ्ट कर देना। तो चलते हैं, मास्क लगा लेते हैं, बहुत जरूरी है। दो गज दूरी मास्क का जरूरी, जाओ ना तुम, दो गज दूरी है, एक हाथ का भी दूरी में नहीं है तुम, दो गज कहाँ से होगा। अब तेरा गाड़ी छोटा है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी छोटा है तो भाई तुमको एडजस्ट शोरूम वालों को बोलोगे दो गज दूरी करके बनाएगा, तो तुमको बस लेना होगा फिर हमको। तो लग गया है बेल्ट, चलते हैं। फिलहाल कनेक्ट हो गया, कनेक्ट अब बजाएगा ना। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको घर पे।